करके उस संगति को कर सकते हैं, साधना को कर सकते हैं, अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। तो याद करिए, अपनी आवाजों को ऊंचा करके उसके नाम को महिमा दें, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा को करें, जिससे वो खुश होता है और प्रसन्न होता है, लेकिन वो हृदय की अंदरूनी तलछटियों से निकलने वाला अनुदो आवाज हो जो उस तक पहुंच सके। यदि हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंचती है तो हमारी आवाज बेकार है। छोटा सुधार दो मैं आपको, यदि आप अपनी आवाज से मुझको आवाज दें और मेरे कानों तक आपकी आवाज ना जाए तो आपका चिल्लाना बेकार हो जाए, आपका चिल्लाना बेकार हो जाए। यदि आप किसी को इशारा कर रहे हो और आपका इशारा मुझ तक ना पहुंचे तो आपका इशारा करना बेकार हो जाए। और यदि आप इबादत करने के लिए बैठे हो और आपकी इबादत, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा और मेरी इबादत और मेरी स्तुति और मेरी प्रशंसा यदि स्वर्ग के पिता के पास तक नहीं पहुंच रही है तो बेकार। हम सारी चीजों को बेकार करने के लिए बैठे हुए हैं, सारी चीजों को उत्तम बनाने के लिए बैठे हुए। हालेलुया, हाँ जोर से हालेलुया। यदि हम उत्तम बनाने की कोशिश आज से करेंगे तो आने वाला भविष्य हमारा खूबसूरत हो जाएगा और अच्छा होगा। अब प्रभु हमारी जिंदगियों को आशीषों से भर देगा। फिर कुछ 6 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते के बाद में आज फिर से हम इस आशीषित भवन में हैं, जिससे बहुत सारे लोगों को मुझको आशीषें मिली है। और हम चाहते हैं कि अब से और आज से इस भवन में आशीषें कई गुनी बढ़ती चली जाए और बहुत सारे लोग आशीषित हो जाए। हालेलुया। इससे पहले कि हम लोग वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, मैं उन हिस्सों की पुनरावृत्ति करूंगा जो अरब में पढ़े गए थे। सबसे पहला हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था व्यवस्था की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसके 6 पद से लेकर के 8 पद तक। दूसरा हिस्सा जो पढ़ा गया था वो था मती रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय और उसके पहले 16। और उत्तरवादी पाठ के रूप में भजन संहिता 103 पढ़ा गया। और इनसे संबंधित जो आज का थीम है, जो आज का शीर्षक है, वह आपके सामने रखने जा रहा हूं। गॉड गिव्स अस फॉर मोर देन वी डिजर्व, यानी कि हिंदी में कहें तो परमेश्वर हमें उससे भी अधिक देना चाहते हैं जिसको पाने के हम योग्य भी। फिर से रिपीट करूंगा, परमेश्वर हमें उससे भी अधिक देना चाहते हैं जिसको पाने के हम योग्य भी नहीं हैं। इस विषय के ऊपर आज हम मनन करेंगे। और इससे पहले कि हम मनन में अपने दिमाग को खोलें, अपने कानों को खोलें, अपनी आंखों को खोलें, कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करें ताकि परमेश्वर हमारे दिमाग, हमारी बुद्धि और हमारी आंखों को, हमारे कानों को खोले और हम अच्छी तरीके से सुन समझ और देख सकें और प्रभु को महिमा दे सकें। जीवित और सर्वज्ञ पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु हमारे लिए एक ऐसा दिन युक्त है जिसमें कि प्रभु हम इबादत कर सकते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। आपके वचन के आईने के माध्यम से हम अपने जिंदगी के तमाम दागों को हटा सकते हैं, ऐसा हमको आज अब तक प्राप्त हुआ है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारे निवेदन जब रखे जाते हैं तो उसके लिए एक ही खिड़की और एक ही दरवाजा है जहां से आवाज जाती है। वो विश्वास की आवाज होती है, विश्वास की आवाज होती है जो परमेश्वर तक पहुंचती है। जब वो पहुंचती है तो परमेश्वर या तो स्वयं आता है या तो बंदों को भेजता है। और जब वो आता है, दूत आते हैं तो
हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है। और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में स्वयं प्रभु यीशु मसीह विराजे और उपस्थित हो, क्योंकि उनके आने से पहचान हो सके। लोगों ने उस वक्त पहचान लिया कि हमें तो तीन मनुष्य इस आग में डाले थे, ये चौथा पुरुष कौन है? और एक ये पुरुष ने कहा कि ये तो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है। जब वो आएगा तो सारी चीजें बदल जाएंगी, सारी चीजें शांत हो जाएंगी, सारी चीजें दिक्कत तरीके से हो जाएंगी, सारी चीजें तरीके से बदल जाएंगी, सारी समस्याएं भागने लग जाएंगी, हम आजाद होने शुरू हो जाएंगे, बंधन टूटने लग जाएंगे, पश्चाताप ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, हमारी समझ और हमारे ज्ञान के अंदर वो वचन आना शुरू हो जाएगा जिसको आज तक ना तो हमने देखा, ना कभी सुना और ना कभी समझने की कोशिश की। इसलिए हम चाहते हैं कि स्वर्ग पिता प्रभु यीशु की उपस्थिति और विज्ञात्मक गहरा आभास अनुभव आज वचन के माध्यम से हमारी जिंदगियों को टच करे और हम उसके इस वर्ड से आज आनंदित हो जाए, हमारे जीवन के अंदर खुशियां आ जाए और हम उस महान परमेश्वर को बहुत पास से देख सके, समझ सके और उसको धन्यवाद दे सके। धन्यवाद हो मेरे पिता कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और उस जगह अपने मोहर को लगा दिया। और मेरे पिता हमारी आवाज जो लोगों तक पहुंच रही है वो मेरी सिर्फ आवाज है, निकलने वाला एक एक वचन एक एक शब्द वो आपकी तरफ से हो, मेरी अपनी कोई भी योजना कोई भी प्रयास कोई भी कोशिश ना हो, जो आप चाहते हैं वो ही हो, जो आप सिखाना चाहते हैं वो ही हम सीखें, जो आप बताना चाहते हैं वो ही हम जान पाए। हम चाहते हैं कि यहां से जब शब्द निकले तो आखिरी बहन तक बदलना चाहिए, उनकी सोचें भी ना बदल सके, अपने अनुवाद कराने की कोशिश ना करें, जैसा प्रभु सिखाए जैसा प्रभु बताए वैसा ही हम समझ पाए वैसा ही हम सीख पाए, ऐसी अगुवाई करते अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। दरबार मार्गदर्शन कीजिए और हमारे सामने यीशु मसीह नासरी के नाम इस दुआ को मांग लेते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और सुंदर समय दिया, खुशी के कुछ पल दिए, आनंद से भरा, वापस इस खूबसूरत से चर्च लेकर के आया, शानदार प्रभु का भवन है और आराधना करने के लिए लेकर के आया ताकि हम मिल करके उसके नाम को ऊंचा उठाएं। आराधना हम कर चुके हैं, अब वचन के अहम हिस्से पर आ चुके हैं ताकि वचन के घेर हमारी जिंदगी के तार तार को छोड़ते और हम बड़ी नजदीकी से परमेश्वर के वचन को सीख सकें, ज्ञान से ऐसा प्रभु हमारे साथ है। हम जिससे पर वापस लौटेंगे जो मायदार मती रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और उसके पहले 16 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके पहले 16 पद मैं धीरे धीरे इसको पढ़ के आपके साथ में व्याख्या करूंगा। कितने लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फेसबुक के माध्यम से, प्रभु आसन को भी बहुत आशीषित करें और आपके परिवारों को आपके खानदान को भी आशीषित करें। हम लोग वचन से आगे बढ़ेंगे समय को जाया ना करते हुए। लिखा है स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है
जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, उसने मजदूरों से एक दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। लिखा हुआ है स्वर्ग के राज को संबोधित कर रहे हैं। स्वर्ग का राज एक गृह स्वामी के समान है। लिखा हुआ है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए और उसने मजदूरों को एक दिनार रोज पर ठहराया और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। सेटलमेंट में पहले हो गया। अभी जब उनको चौकने में लेके जाते हैं तो सेटलमेंट करके आते हैं, बाद में कोई विवाद ना हो। 300 लोग हैं, 350 लोग हैं, 400 लोग हैं, सेटलमेंट हो गया ताकि बाद में वो कुछ ना बोले और हम कुछ ना। तो ये सेटलमेंट यहां पर हो चुका है एक दिनार का। आगे लिखा हुआ है एक पहर चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनमें और उनसे कहा तुम दीदार की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दो, जो कुछ ठीक है तुम्हें दो। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। एक घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ। दाख की बारी बहुत फेमस होगी मैं ऐसा सुनता हूं। एक डायरेक्शन दिखाया जा रहा है तुम भी दाख की बारी में जाओ और सब वहीं पर पहुंच गए काम तक। सेटलमेंट पहले वालों के साथ एक दिनार, दूसरे वाले के साथ क्या बोला जो ठीक लगेगा तुम्हें। बाकी वालों के साथ में भी ऐसे कहा और एक घंटा रह गए वालों के साथ में भी ऐसा कहा जो ठीक होगा वो तुमको। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सब दाख की बारी में काम कर रहे हैं। पहले वालों लेकर कुछ और नहीं आ गए दिल में। फिर उसके बाद में पहले वाले और दूसरे वाले देखकर कुछ और लोग आ गए काम करने के लिए। फिर उसके बाद में पहले दूसरे और तीसरे वालों ने देखा अब तो एक घंटा लग गया अभी भी भेज दिया। इसका मतलब गृह स्वामी का एक इरादा था काम को खत्म करने। गृह स्वामी का एक इरादा था कि जल्द से जल्द डाक की बारी का काम फिनिश हो, खत्म। क्योंकि एक घंटा रह गया तो कौन लेकर के आएगा, 4 बजे मजदूर को कौन लेकर के आएगा, 5 बजे तो खत्म हो जाता है उनका समय, तो 4 बजे कौन लेकर के आएगा। लेकिन जरूरत पड़ी तो बुलाना भी पड़ता, यदि काम खत्म करता है तो बुलाना भी पड़ सकता है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि गृह स्वामी के पास में काम बिल्कुल खत्म की कगार पे होगा और उसने लड़ा, उसने सोचा कि इतने लोग सफिशियंट नहीं है और कुछ लोगों को बुला लो ताकि ये सारे मिलकर के सारे काम को फटाफट खत्म कर दें। और अभी तक किसी को कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे आखिर वालों को तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, उनसे पहले वालों को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन दूसरे और पहले वाले को प्रॉब्लम हो सकती है किस वक्त में और किस समय में, जब उनको उनकी मेहनत और मेहनताना मिले। इनका तो यह जो भी मालिक चाहेगा दे देगा, अब 350 तो मिल नहीं सकते, एक घंटा पहले 85 रुपये मिल सकता या 100 रुपये ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बाइबल हमको इस बात को सिखा रहे हैं कि यहां पर 8वें पद में जब देखते हैं लिखा है सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पैदल तक उन्हें मजदूरी दे दी। क्या कहा
सांझ को दाल की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें एक दिनार मिला। तो पिछले वाले जो सबसे पहले गए तो सोचा कि शायद हमको ज्यादा, सबसे पहले किसको दिया गया जो सबसे आगे में है। उसके बाद मैंने कहा हुआ है जब मिला तो मैं गृह स्वामी पर जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा परंतु उन्हें भी एक दिनार ही मिला। जब मिला तो मैं गृह स्वामी पर गुड़गुड़ा के कहने लगे कि पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप से। अच्छा क्या लगता है, ये थोड़ा सा अन्याय है? थोड़ा सा अन्याय प्रैक्टिकल है क्या? प्रैक्टिकल थोड़ा, यदि आप कहीं पर काम कर रहे हो और आपको भी उसमें मिल रहा है और थोड़ी देर पहले आया तो उसको भी उतना ही लग रहा है, उसे लगता है बुरा लगता। करिए आप सवेरे से लाइन लगे हो और एक स्पेशल बंदा बाहर आया और उसने अपनी पासबुक को एंट्री करवा के चला गया और आप सर्विस लगे हो तो बुरा लगेगा तो सकते हैं। कल ऐसे ही हो रहा था जब मैं बैंक में था एंट्री करवा रहा था तो एक बुजुर्ग आए, उन्होंने अपनी किताब दी एंट्री करवा के चले गए, एक और दूसरे बुजुर्ग आ गए तो वो करवाने लग गए तो वो नाराज हो गया क्योंकि पीछे लोग जानने लगे हम इतने घंटों से बने। मैं भी क्या थोड़ा सा चेक लगाने के लिए कि मैं भी थोड़ा सा चेक लगवा लूं जल्दी से हो जाए, लेकिन फिर मैंने किताब उनके हाथ से छीन ली, मैंने भेजा था अपने हाथ को चिंता थोड़ा सा थैंक यू। तो होता है थोड़ा सा ऐसा लगता है इससे अन्याय सा होता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने तो वचन के द्वारा हमको एक चीज सिखा जो मैं आपके साथ में रखना चाहता हूं। इसको सीखना हमारा फर्ज है। परमेश्वर का न्याय सबके लिए, परमेश्वर का न्याय जो है वो सबके लिए, वो न्यायी परमेश्वर है और वो अन्याय नहीं करता, इसलिए नहीं कर रहा और आपके साथ में अन्याय इसलिए नहीं हो रहा कि मैं मालिक हूं, मैंने आपके साथ में एक दिनार तय करी, आपको यदि एक दिनार से कम दूं तो आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए और जो एक घंटा पहले आया मैं उसको अपनी तरफ से एक दिनार दूं, अपनी तरफ से एक दिनार दूं तो ना तो इसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो इसका योग्य नहीं था, इसके लायक नहीं था, लेकिन इसको फिर भी मिल गया। यही आज हमारा थीम है कि परमेश्वर हमें उससे भी अधिक देना चाहते हैं, देते हैं जिसको पाने के हम योग्य भी नहीं होते। एक पापी मनुष्य, एक गुनेगार मनुष्य, एक लालची मनुष्य, एक व्यभिचारी मनुष्य, एक नशेबाज मनुष्य, एक गुनेगार मनुष्य जब उसके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, समस्याएं होती है तो वो परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाता है कि हमने तो उसकी प्रार्थनाएं करी और उसका जवाब हमको नहीं मिला। तो यहां पर एक सवाल उठता है, क्या तुम इसके योग्य थे? क्या तुम इसके योग्य थे कि तुमको ये सारी आशीष मिल जाती? ये तो उस परमेश्वर के हाथ में है कि वो क्या करें और क्या ना करें। आज हम सब जिसको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के ऊपर ज्ञान को कुर्बान कर दिया, अपने लहू को पूरे शरीर के लहू को बाहर निकाल दिया, कांटों का ताज पहन लिया, भाला भी खाया, कीले भी टुकवाए, ये सारी समस्याएं मेरे और आपके ऊपर घटित होनी थी लेकिन उसने अपने ऊपर ले ली और मुझको और आपको पाप के दंड से आजाद कर दिया।
से मुझको रात को स्वतंत्र कर दिया, आजाद कर। ये है वो यीशु मसीह जिसकी तरफ, जिसकी ओर मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। वो मालिक है, वो स्वामी है, वो सृष्टिकर्ता और उद्धारक करता है। उसके हाथों में सारी चीजें हैं, उसके हाथों में हम सब है। वो चाहे सूरज की रोशनी दिखाए, वो चाहे तो रात का चांद छुपा ले, वो चाहे तो हवा चलाए, वो चाहे तो समुद्र का पानी सुखा ले, वो चाहे तो भगवत पैदा करवाए, वो चाहे तो स्वस्थ पैदा कराए, वो चाहे तो 100 साल की अवस्था में पैदा बच्चे पैदा करवा दे, और वो चाहे तो जिंदगी भर इंसान संतान न प्राप्त करे। कोई क्लेम कर सकता हूं धरती पर मिट्टी आते रह जाएंगे लेकिन पाएंगे कुछ नहीं, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बेहतर है सहर्ष उसकी आज्ञा को मान करके, उसकी इच्छा को समझ करके, उसकी मर्जी को पूरा करें। यीशु मसीह जो उसका पुत्र था कहने लगा कि हो सके ये प्याला डल जाए, क्योंकि उसको मालूम था कि प्याला पीने जा रहा हूं बहुत दर्दनाक, बहुत कठिन पीड़ाओं से भरा हुआ है, मृत्यु है। पिता ने क्या कहा, आखिरी कर पुत्र से प्रार्थना जो करी, हो सके तो ये प्याला डल जाए, मेरी की मर्जी तेरी मर्जी तेरी इच्छा पूरी हो। तो किसकी इच्छा पूरी हुई? पिता की इच्छा पूरी हुई, पुत्र की नहीं। और आज हम और आप कहते हैं हमारी ही इच्छा पूरी हो, हमने मांगा तो हमको मिलना ही चाहिए, नहीं मिला तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देंगे, नहीं मिला तो क्या कहते जड़ जाना छोड़ देंगे, नहीं मिला तो मदद करना छोड़ देंगे। क्या हम इस योग्य थे? हमारे पाप हमारे गुना दिल दिन भर हो गए। इस योग्य है कि परमेश्वर अपनी निगाहों को मेरे रथ पर करे? प्रार्थना सब करते हैं, जब इंसान समस्याओं में गिरता ना तो सब लोग प्रार्थना करते हैं। मैं सोचता सोचा तो प्रार्थना वो व्यक्ति करता है जिसके घर का बंधन बीमार होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द तो सबसे ज्यादा पीड़ा तो उसी को हो रही है। सब क्या प्रार्थना होती है, सबके धर्मों में प्रार्थना होती है, लेकिन सब बचते नहीं। कारण और वजह क्या होती है वो उसके हाथों में, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई और हो। हम देखिए हमने कितनी प्रार्थना करी तो सब कुछ हो गया। ये सोचे कि परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कौन है? बस हम आज भी पाप करते हैं और पाप के पुतले हैं और लगातार पाप को करते रहते हैं, चाहे जुबान से करें, चाहे आंख से करें, चाहे कानों से करें, चाहे पैरों और हाथों से करें, निरंतर पाप होता है, चाहे कहां पर बना रहे। तो मत सोचिएगा कि मैं और आप बहुत धर्मी हैं, जब मेरे आपकी प्रार्थना वो परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर की दृष्टि में पता नहीं कौन धर्मी हो, परमेश्वर की दृष्टि में पता नहीं कौन सी बात ऊपर की रखी हो। तो इसलिए जीवन का रास्ता वो है, जीवन को हिलाने का अधिकार उसके पास में, जीवन को समाप्त करने का अधिकार भी उसके पास में। हम योग्य नहीं है, किसी भी रीति से योग्य नहीं है। क्या योग्यता से भरे के काम हमारा कर रहे? हमारे जीवन के अंदर कोई योग्यता ही पाई जाती है? फर्जी डिग्रियां बनवा करके हम और आप अयोग्य होते हैं, फिर भी जबरदस्ती योग्य बनवा दिए जाते हैं। तो हमको आपको सीखना है। यदि कोई अपने ऊपर घमंड करे तो बाइबल क्या कहती है, पॉल क्या कहता है कि मैं घमंड करता हूं अपने ऊपर। फरीसियों का फरीसी, यहूदियों का यहूदी, इब्रानियों का इब्रानी, ताकत के विषय में कहोगे तो मैं ताकतवर हूं, शक्तिशाली हूं, मुझसे ज्यादा ताकत नहीं होगी किसी पास, बहुत कुछ कहता कहता फिर भी मैं अपने पर घमंड। हम किस चीज के ऊपर घमंड कर लेते हैं? अपनी अच्छी सोच के ऊपर, अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी एजुकेशन के ऊपर, अपने सोर्स के ऊपर, अपने कोर्स के ऊपर, किसी के ऊपर। मैं देख रहा था हॉस्पिटल में
के लिए एक जमाचार, जितना लगे जितना पैसा लगे मैं दूंगी, लेकिन मेरे पति को बचा। पैसा काम नहीं है। मैं जब पापा को सवेरे चाय लेने के लिए पहुंचा हॉस्पिटल, तो मेरे बराबर बिल्कुल ही डिजाइन और बड़ा हंस के बड़ा अच्छी तरीके से बात करें कि हमारे पेशेंट का है, कहां है, सब कुछ सारी चीजें जानकारी ले ली थी। चार मिनट के बाद में रोते हुए देखा मैंने उसको, कोई सोर्स काम नहीं है। डीएम के बाद हॉस्पिटल में एडमिट है, डीएम का बाप अपने बेटे से कह रहा तू किस बात कर लिया, जो अपने बाप को हॉस्पिटल से नहीं निकाल पा रहा। 10 दिन तक बाप को हॉस्पिटल से निकाल दिया। सोर्स और फोर्स काम नहीं करे। उसके अलावा पता तक नहीं हो सकता। सांसे के लिए दे रहा ना तो वही दे, जीवन यदि हिला रहा ना तो वही हिला। प्राप्त करने के बाद छोड़ करके जाने वाले लोग आशीषों को लेकर के, आशीषों को त्याग करके उनको नजरअंदाज करके जाने वाले लोग नष्ट जाते हैं। एक लेडी जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया था खत्म होने वाली है, कैंसर था, लास्ट स्टेज पर था, उसके लिए प्रार्थना की गई, वो लेडी ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल फिट, काम करना और वॉक करना हर एक चीज करना शुरू कर दिया। लेकिन घर के लोगों ने बोला तुम कहां ईसाइयों के बीच में घुस गए, अपने घर में वापस आओ। और जिस दिन वो वापस आई उस दिन के बाद से फिर उसका डाउनफॉल शुरू हुआ और वो खत्म हो गया। कहता मैं अपनी महिमा खुद ही मूर्तों को नहीं दूंगी, अपनी महिमा खुद ही मूर्तों को नहीं दूंगा। और दीप उसने अब और रुकेगा क्योंकि अब हम अंतिम युग में अंतिम समय में चल रहे हैं। लेकिन जितना आज को मैं काम करो उतना ज्यादा एक घंटे वालों को आशीषित करना। हालेलुया, एक घंटे वाले लोग आशीषित हो रहे हैं जो पूरा दिन लोगे, हो सकता है उनके अंदर थोड़ी सी चीज आ जाए, हमको नहीं मिला। पर इनको कैसे ये परमेश्वर और बाप की मर्जी और उसकी इच्छा है, ये उसकी मर्जी। पता है उसने मेरे और आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी देखी कि उसने हमको आशीषों से भर दिया, बदल के रख दिया। तब तक समय जवान लोग 40-40, 45-45 साल के लड़के खत्म हो रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में रहता था तो बॉडियां क्यों पड़ी रहती थी, लोग चिल्ला रहे हैं, भिड़क रहे हैं, रो रहे हैं, अपने को खो करके बैठे हुए हैं, बातें बना रहे हैं। जिस जिस जगह पे जिस जिस स्थान पे गया वहां पर बहुतों के अलावा और कोई मंजर था ही नहीं। वहां पर यीशु मसीह ध्यान आ रहा था कि बचाने वाला और संभालने वाला सिर्फ वही है। हम योग्य नहीं है लेकिन फिर भी वो हमको आशीष करता है। हम लाइक नहीं है कोई अपनी चीजों के ऊपर कोई घमंड करे कि हम बहुत बलशाली हैं, पैसे वाले हैं, तो वो डुबा देता है, गिरा देता है। तो इसलिए आप सब जो यहां पर बैठे हैं किसी भी चीज के ऊपर गुमान मत करिएगा, क्योंकि सारी चीजें नष्ट हो रही है और खत्म होती है। लेकिन उसकी योजना, उसका न्याय हर एक, यदि आज आप में से कोई भी उसके पास आएगा घुटने टेक कर उससे प्रार्थना मांगेगा, झूठे आंसू नहीं, सच्चाई के साथ में। हन्ना का जो आंसू वहा वो झूठा नहीं था, उसके अंदर सत्यता थी। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी कृपा को उसके ऊपर दिखाया और करा। कुछ मजबूत बनिए, कुछ मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। कब तक तेल पानी पे धुआं करवाते रहे, आज मजबूती कितनी आपके पेट की, आपके अंदर यीशु मसीह के साथ चलने का जज्बा कितना है, कितना अपने परिवार के साथ में फाइट कर सकते हो आप, किसके सामने घुटने टेकोगे।
यदि यीशु के पास देखोगे तो स्वर्ग मिलेगा, यदि पति के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, बूढ़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने, समाज के सामने देखोगे तो जब तक रोटी काले तब तक रोटी काले, उसके बाद में नरक ही है। क्योंकि हमारे अंदर वो खूबी नहीं कि हम अपने आप से स्वर्ग को प्राप्त कर सके। स्वर्ग को प्राप्त करने का द्वार और रास्ता सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह, जिसने कहा है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बगैर मेरे कोई भी पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यदि आप पिता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, स्वर्ग जैसी चीजों को चाहते हैं, स्वर्ग के राज को ग्रहण करना चाहते हैं, वो आपका हो जाए, मेरा हो जाए, तो भैया पाप करके स्वर्ग नहीं मिलता, तीर्थ करके स्वर्ग नहीं मिलता, दान दक्षिणा करके स्वर्ग नहीं मिलता, खून बहा के स्वर्ग नहीं मिलता, सच्चा पश्चाताप करके, पाप को छोड़ करके, बुरी आदतों को छोड़ करके, बुरे स्वभाव को छोड़ करके, बुरी संगति को छोड़ करके, बुरी चीजों को त्याग करके ही स्वर्ग मिल सकता है। खुला हुआ फ्री एंट्री है वहां पर, वहां कुछ नहीं करोगे तो पहुंच जाओगे, लेकिन यहां पर कुछ करके पहुंचना पड़ेगा, और वो है त्याग, बलिदान, बदलाव। उसके बगैर हम और आप स्वर्ग में कदापि पहुंच नहीं सकते। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था ना कि परमेश्वर सबके लिए अपने न्याय को प्रकट करता है, और दूसरा पॉइंट है कि परमेश्वर का न्याय नीति और नियम के आधार पर होता है। परमेश्वर का न्याय नीति और नियम के आधार पर होता है। एक घंटे वालों का सोचा था, क्या सोचा होगा मुझे क्या मिलेगा, एक दिन नहीं, उनको नहीं पता था कि उनको एक दिनार मिल सकती है, वो एक दिनार के योग्य नहीं थे और वो सोच भी नहीं रहे थे कुछ को एक दिनार मिलेगा, जो मिल जाएगा लेकर के चले जाएंगे, जो भी मिल जाएगा लेकर के चले जाएंगे, एक दिनार के योग्य अपने आप को नहीं समझ रहे। लेकिन परमेश्वर दिल लोगों का जानने वाला परमेश्वर, न्याय परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, दया करने वाला, उसने अपनी दया को उनके ऊपर प्रकट किया। परमेश्वर ने अपनी दया को उनके ऊपर प्रकट करा, उनकी नियम, उनकी नीति, यानी कि जो वो काम कर रहे थे स्वामी ने देखा, और जो उनकी नियत थी उसको भी देखा, और देख करके एक दिनार दे दिया, जबकि तय नहीं करा था, जबकि तय अभी कहती मैं इसराइलियों के लिए आया हूं, तुमने तो मुझे तय नहीं करा था, स्वामी ने तय नहीं करा कितने दिनार दूंगा, क्या दूंगा, बस लग जाओ, जिस जो मिला कहता मैं समय को बर्बाद क्यों कर रहा हूं, जाओ धान की बारी जाओ, तुम अपने समय को बर्बाद क्यों करो, कहीं किसी ने पूछा ही, किसी ने हमको बताया नहीं, जाओ धान की बारी। आज हमको भी जीवते परमेश्वर की इस बारी में, इस वचन में आना है, जो आएगा जीवन पाएगा, जो नहीं आएगा नष्ट होने की कतार पर है, क्योंकि अब समय इतना ज्यादा बदलता जा रहा है, इतना फास्ट, इतना क्विक हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है वो हाथों से गुजरती जाएंगी। बीमारियां अभी कोरोना ही नहीं झेल पा रहे लोग, कोरोना से डर लग रहा है बहुत सारे लोगों को, मैंने देखा कोरोना का डर लोगों के अंदर कैसा होता है, जैसे ही एम्बुलेंस आती थी लोग झिझक के पड़ते थे, यदि कोई फांस भी रहा ना तो लोग दूर हो जाए करते थे। कोरोना पेशेंट जब आ रहा है ना, जो कर के आ रहा है, अपनी एंट्री करवाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर अपनी एंट्री करवाने के लिए हमको एडमिट किया जाए तो लोग उससे दूर होते थे, पास मतलब कि ऐसा लग रहा था कोई सेलिब्रिटी आ रहा, बहुत सारे लोग पास आते हैं लोग दूर भाग रहे, गाड़ियां आती थी पूरे समय तो साइन बसते रहते थे जिस हॉस्पिटल में पापा एडमिट थे, एम्बुलेंस बहुत बुरी कंडीशन, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य हां और उसकी दया जिसके ऊपर हो जाए
जिसके ऊपर वो कृपा करते वो बोल है अपनी तरफ से प्रयास करके बस उन आखिरी एक घंटे लगे हुए लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया, अपनी तरफ से मेहनत करी और अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते थे सारी कोशिशें करी। उनकी नियत और उनकी विधि अच्छी थी, यानी कि काम अच्छे तरीके से कर रहे थे, नियत अच्छी थी, तो स्वामी ने उनको भी एक दिनार आज प्रभु के पास जाने पे अपनी विधि और अपनी नियत को अच्छा चर्च से कुछ मिल जाए जैसी नीति मत रखिए, तुरंत आए और हाथ रखा जाए आप चले हो जाओ ऐसी नियत मत रखिए। यहां आकर के चलते हो जाए फिर वापस फिर वही सारी चीजें करते रहे आरती उतारते रहे ऐसी नियत मत रखिए, ठीक नहीं होंगे, आज ठीक भी होगा कल भी होगा और उससे बुरे हालात होंगे। सत्य को जाके सत्य आपको और मुझको आजाद, सत्य किसको आजाद करेगा, आपको भी आजाद करेगा और मुझको भी आजाद करेगा। ऐसी बहुत सारी बातें जिसमें मुझे भी सत्यता को जानने की जरूरत और आवश्यकता है। इस बात को कहता है कि मैं रोज अपने आप को मारता हूं कूदता हूं ताकि मुझसे बात ना हो परेशान ना पड़ू और मैं ऐसा ना हो किसी करते सिखाते मैं हार रहा हूं मैं यही रहता हूं स्वर्ग कोई और मेरे और मैं सिखाते सिखाते हार करके नरक में चला जाऊं। इसलिए कहता है मैं रोज अपने आप को मारता कूदता, यानी कि अपने आप को पूरी रीति से बंदिशों में रखना मेरा और आपका कर्तव्य है। आप बाहर निकलोगे निकलते ही प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होगी, बाहर निकलते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कल की छोटी सी कमाई दे रहा हूं, क्रॉस साफ करवाने के लिए गए थे हम फ्रेंड्स, मैंने अपना मोबाइल निकाला नीचे ही और मेरा 500 करोड़ नीचे गिर गया, मुझे नहीं पता मैं ऊपर थोड़ा चला गया बात कर आया पैसा ठगवा लिया सारे काम कर लिए उसके बाद नीचे उतर के नहीं आया सबसे पहले और मेरा 500 करोड़ नीचे गिर गया। परमेश्वर कहीं ना कहीं अपने लोगों पर दया कर देते हैं मदद कर देते हैं और साथ में कह रहा था कि आपका कुछ गिरा था कि कुछ आपने जब निकाला ना तो कुछ गिरा था। मैंने कहा भैया कैसे गिरे तो मैं इधर इंतजार तो कहने कर दिए है वो परमेश्वर जो है वो सदा मददगार। एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर एक चीज को सिखा रहा था कि कई बार हमारी ये सोच हो जाती है कि हम जितने प्रार्थना करने वाले हैं वर करने वाले हैं इतनी इबादत और इतनी संगति करने वाले लोगों के साथ में समस्याएं और विविधाएं क्यों आती, इतनी प्रॉब्लम हमारे साथ में क्रिएट क्यों होती। या तो कहा जाए कि अच्छे तरीके से दुआ प्रार्थना नहीं कर रहे वही को कारण हो सकता है या तो फिर कुछ और दूसरा कारण होगा कोई और वजह होगी। तो उठाए एक पुस्तक को और जब बाकी उठाएंगे तो आपको जिक्र मिलने शुरू हो जाएंगे। ये कहते हैं कि अंधा पैदा क्यों हुआ, इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया, तो यीशु ने क्या कहा ना तो उसने पाप किया ना इसके माँ बाप ने पाप किया, दैट मीन्स कि पाप का मसला उस घर में नहीं है उसके प्रति नहीं। तो अगर क्या है अंधा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि परमेश्वर की एक कारण, दूसरा कारण आज अय्यूब का उदाहरण जब आप प्रचार करते जब आपको प्रचार करने का अवसर मिलता है तो आप सब खड़े होकर बोलते हो अय्यूब जैसा अविश्वासी हमको बनना चाहिए, बोलते नहीं बोलते अय्यूब यदि परीक्षाओं में और समस्याओं में ना गिरता ना जाता तो आप उदाहरण देते, आप उदाहरण देते अय्यूब का शत्रु मेशक और अबेदनगो यदि आग में ना जाते तो क्या आप उदाहरण देते उसका,
और उदाहरण निकाल रहा हूं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19 अध्याय के पत्र पर लिखा है, एक व्यक्ति दुष्टात्मा निकालने की कोशिश करा, यीशु के नाम से कोशिश करा था, दुष्टात्मा उसके ऊपर समा गई। इस उदाहरण को ये नेगेटिव पे लेते हो कि कोई अविश्वास की दशा में प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर के दुष्टात्मा को निकालने की कोशिश करेगा तो दुष्टात्मा उसके ऊपर सवार हो जाएगी। अय्यूब ने तो सब कुछ खो दिया,
तक बोलते दाद नसीब हो गए, तुम्हारा बेटा तो बात अलग है, तुम्हारा कितना बेटा बात अलग है, लेकिन पहले से जो मोहब्बत हो गई थी वो थोड़ी ना हो गई थी। जो मोहब्बत पहले से हो गई थी वो थोड़ी ना हो गई। परमेश्वर ने अय्यूब को ऐसे बनाया था कि उस सबके साथ एक जैसी मोहब्बत, तुम्हारा जंगली भी पलातों से भी वैसी मोहब्बत करी, और उस उन लोगों के लिए जो जान चुके थे उसकी लाइफ से उनके लिए कहते हैं खुदा ने दिया, खुदा ने दिया मुबारक हो। कुमार कहते हैं स्टेटमेंट खत्म, चल चीजें खत्म, चल कहते खत्म, इसलिए जो लोग खुदा के साथ में जुड़ा हुआ था वो दिखावे का क्रिश्चियन नहीं था। उस जानवर के ऊपर वाला, उसके मुख्य के ऊपर वाला ऐसे ही नहीं बन गया। विश्वास की आधारशिला थी, इसके बाद में विश्वास था, मजबूत विश्वास था, तब उसके चारों ओर बाड़ा बना, जिसको प्रूफ करता है शैतान तुमने अपना बाड़ा उसके चारों ओर बांध रखा है। बाड़ा ऐसे मुड़ना बन गया था। कई बार पढ़ा होगा अय्यूब को, और अय्यूब हमेशा तो बदनामी था, बोलता हूं अपने दोस्तों से, बोलता हूं अपनी पत्नी से कि मैं अपने परमेश्वर की खिलाफत में कभी नहीं कह सकता, वही सब कुछ। ये स्टेटमेंट इतना मशहूर हो गया, दो स्टेटमेंट की मैं मां के घर से आया था तो मैं लौट जाऊंगा, जिसने दिया उसने दिया उसका नाम मुबारक हो, बड़े मशहूर स्टेटमेंट है। हम और आपने स्टेटमेंट तो बता देते, अय्यूब को उधर जो है उसको तो दिखा देते, समझा देते, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी छिपी हुई थी, जो हम नहीं बता पा रहे थे, खुदा ने हमको बताया और आपके साथ में हम उसको शेयर कर सके और बांट सके। परमेश्वर मजबूतों को ही उधार बनाता है, परमेश्वर कमजोरों को नहीं पकड़ता है, परमेश्वर की इज्जत क्यों नहीं मारता, परमेश्वर पकड़ता ही को है जो मजबूत। आज में चले जा रहे हैं, मना करता शहर नहीं मना करता, मैं जाऊंगा सजा करूंगा, राजा नबूकर ने सर तुझे सजा करूंगा, लेकिन तीनों के तीनों एक साथ बहुत ज्यादा ताकतवर, विश्वास में एक जैसे मजबूत, कहते हैं हमारा खुदा इस आग से हमको बचा सकता है, फुल कॉन्फिडेंस बचा सकता है, और यदि नहीं भी बचाएगा तो भी मैं तेरी खड़ी कराई हुई मूरत के सामने सजदा कदापि नहीं करूंगा। हम और आप वक्त वक्त में समय समय पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, उसको त्याग देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि स्वर्ग उसी के द्वारा है, और दुनिया में कितने किस तरह की कोशिश में कितने चढ़ावे बना लो कुछ नहीं मिलने वाले। लोगों के तजुर्बे हैं, राजा सुलेमान से ज्यादा चढ़ावे किसी ने चढ़ाया। राजा सुलेमान क्या कहता है, सब कुछ बेकार, वायु को कंपनी के समान सब कुछ देखा गया, अंत में गए कि सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ। इसलिए क्यों हमारा उस सत्य परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, क्या हम योग्य हैं किसी चीज के कि वह हमको कमजोर बनाए, क्या हम योग्य हैं कि वह हमको बुद्धि ठीक बना दे, क्या हम योग्य हैं कि वह हमको अच्छा घर दे दे, क्या हम योग्य हैं कि वो हमारे सारे काम पर पता चले जाए, नहीं, बस हम तो उसके पास आए हैं वो अपनी दया और अपनी मेहर मेरे और आपके ऊपर सदा करता है, मेरी योग्यता ये गाते ना, योग्यता से बढ़कर दिया उसने हमको, योग्यता से बढ़ इसलिए इसमें मेरा राजा कोई रोल नहीं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो, उसके नाम की स्तुति और उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा। सिर्फ बैठ करके सुस्ती दूर मत करें, उसको जानने की कोशिश करिए, उसको पहचानने की कोशिश करिए, उसके साथ पीछे चलने की कोशिश करिए, मजबूत इरादे करिए कि अब वापस भूतों में नहीं जाऊंगा, अब वापस उन सारे भूम पे अडारों में नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती के पत्तों के हवन नहीं करूंगा, जबरदस्ती गर्मियों के हवन नहीं करूंगा, सच्चे खुदा की पालन करूंगा जो शब्दों से मात्र पूरी हो जाती है, हालेलुया, जो शब्द मात्र से पूरी जाती है, ऐसी आराधना करूंगा, दिखावे की आराधना नहीं करूंगा, और उसको फॉलो करूंगा जब तक जीवन के अंत तक उसकी हर एक आज्ञा का पालन करूंगा। यदि ऐसा आप करोगे
तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर आप सबको वही आशीष देगा जो प्रॉमिस करते हैं। कहता एक दिनार तुमको मिलेगा और आपको वही आशीष मिलेगा। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, आज भी भर रहे हैं, अन्य जाति में भर रहे हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस जो पुराने हैं पवित्र आत्मा से नहीं भरे। मैं बोलूं तो उनको बुरा भी लग सकता है और वो सोचे तो उन्हें भी बुरा। क्या उन्होंने इसको नहीं खोला जिंदगी भर? खोला। क्या उन्होंने इसको पढ़ा नहीं? पढ़ा। क्या उन्होंने कभी मांगा नहीं? इसके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मांगता है उसको अवश्य मिल जाता है। इसलिए हमको और आपको सही नीति में और सही नीति में और सही नियत के साथ में उसके पास आना है, तब वो मुझको और आपको आशीषित करेगा और सदा के लिए आनंदित करेगा। परमेश्वर आप सबको, आपके खानदान को, आपके परिवारों को आशीषित करे। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ हो और आपको जीवन के उचित और सही निर्णय लेने के लिए आपको ताकत और हिम्मत दे, ताकि आप जीवन के उचित निर्णय ले सके, ताकि प्रभु की विशेष आशीष आपके ऊपर फैल जाए और प्रभु की महिमा आपके ऊपर बलपूर्वक फैले और आप अपने जीवन से अपने कार्यों से उसके नाम को सम्मानित कर सके। आइए सब लोग जीवित और समर्थित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको योग्यता से बढ़कर के दिया। हम योग्य नहीं थे और आपने मेरे पिता परमेश्वर बना दिया। हर एक अच्छे पासवानों के लिए हम गवाहियों को सुने तो वो योग्य नहीं थे। आप उनको खिदमत देते, आज को बदल करके खिदमत कर योग्य नहीं थे। यदि हम उनका पुराना हिस्ट्री चेक करेंगे तो वो अच्छे नहीं, उसमें मैं भी हूं। एक खुदा आपने हमें बदला, हमको चेंज किया, हमको नया किया, हमको इस्तेमाल किया, हमारी सोच के ऊपर अपने आप आपने सारी चीजों को बताया और हमने अपने शरीर के द्वारा उठने की कोशिश करी। एक बीमार को हर एक चीज का सपोर्ट दिया जाता है, हर एक चीज दी जाती है, दवाइयां दी जाती है, हाथ लगा के सपोर्ट किया जाता है, लेकिन उसके अंदर की जो विल पावर है, उसके अंदर की कोशिश है, वो उसकी अपनी होती है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर परमात्मा हर तरीके से हमको सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे अंदर के प्रयास और अंदर की कोशिश और विल पावर हमारी अपनी होती है। इससे उभरने में और सांसारिकता से लड़ने में, शैतान का सामना करने में हम परमेश्वर की अधिकता में आ सकते हैं और आ जाते हैं, लेकिन हमको अपनी तरफ से प्रयास और कोशिशें करने की जरूरत और आवश्यकता है। प्रभु आप दया करिए और हर जन को हिम्मत और ताकत दीजिए, ताकि हर एक शख्स आपके नाम को ऊंचा उठाए, महिमा दे, ताकि सब के सब आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम के। धन्यवाद होकर पिता आपकी हरी प्रार्थना। एक एक जन को प्रभु आपके लहू में ध्यान देते हैं और दुआ करते हैं कि सोचों में, इनके विचारों में, इनके ख्यालों में आप ही आप पाए जाए, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, और प्रभु निरंतर आपको स्मरण करें और प्रभु एक दिन के बाद भी, एक महीने के बाद भी, एक साल के बाद भी, जीवन के अंतिम सांस तक उनके स्वर आप की महिमा ही कर रहे हो, ऐसा विश्वासी बना था। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी दुआओं को सुना। सनातन महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना को अपना उद्धार करने वाले एकमात्र जीवित और समर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर के मांग लेते जैसे सुनिए और कबूल कीजिए।